नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के ई व्याख्यान में आपका स्वागत करते हैं। आज का ई व्याख्यान हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, पीए भाग द्वितीय और एमए उत्तरार्ध, राजस्थान का इतिहास, दोनों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई, जिसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रथम वैधानिक शासक जिसको खलीफा से मान्यता मिली, इल्तुतमिश था। स्थापना के पश्चात दिल्ली सल्तनत का विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ। दिल्ली सल्तनत के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में अगर किसी शासक का, किसी सुल्तान का सबसे बड़ा योगदान था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक आता है। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और वह विश्व विजय के स्वप्न देखता था। जब उसने अपने मित्रों और परामर्शदाताओं के समक्ष अपनी महत्वाकांक्षा को रखा, तो उसके मित्र अलाउल मुल्क, जो कि दिल्ली का कोतवाल था, ने उसको सलाह दी कि वह पहले भारत को विजय कर ले, उसके पश्चात विश्व विजय के बारे में सोचे। अलाउद्दीन खिलजी को यह परामर्श उचित लगा और उसने भारत को विजय करने की अपनी योजनाओं पर कार्य करना प्रारंभ किया। उसने दक्षिण भारत तक भारत को विजय करने की योजनाएं बनाई। राजस्थान में उसके जो महत्वपूर्ण अभियान हुए, वह रणथंबोर, चित्तौड़ और जालोर को लेकर हुए। आज हम रणथंबोर पर किए गए अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप नक्शे में लाल डॉट के द्वारा रणथंबोर की राजस्थान में स्थिति देख रहे हैं। यह है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह किला सवाई माधोपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और चंबल के वन्य क्षेत्र को कमांड करने वाला किला है। भारतीय शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के किले पाए जाते हैं, जिनमें से रणथंभौर का किला गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक मान्यता है कि महेश्वर के चौहान शासक रंती देव ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। अनेक मान्यताएं हैं रणथंभौर के निर्माण के बारे में। दूसरी मान्यता है कि दूसरे चौहान शासक ने, जिसका नाम रणथंबन देव था, इसको 944 ईस्वी में बनाया था। अलग किस्म की मान्यता यह है कि चंदेल शासक जेता ने मीणाओं की मदद से रण नामक पहाड़ी क्षेत्र में इस किले का निर्माण कराया और इसीलिए इसका नाम रणथंभौर पड़ गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीर नामा में लिखा है कि रण और थंब नामक पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण रणथंभौर का नाम रणथंभौर पड़ा है। अनेक मान्यताएं रणथंभौर के किले के अस्तित्व में आने के बारे में आप देखते हैं। जो भी हो, ये हमें तय है
10वीं शताब्दी में ये किला अपने वर्तमान स्थान पर मौजूद था। ये रणथंभौर के किले को आप देख सकते हैं, वन्य क्षेत्र हैं इसके चारों तरफ, अरावली की पहाड़ियां नजर आ रही हैं और लगभग जीर्ण अवस्था में किला आपको दिखाई दे रहा है। किले के मुख्य द्वार का दृश्य है। किला खंडहरों के रूप में ही अभी बचा हुआ है। ये रणथंभौर का किला और यहाँ पर शासन करने वाला राजवंश और उसका दिल्ली की सल्तनत के साथ संघर्ष, इसकी एक परंपरा है। परंपरा यह है कि जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई, तब उसके बेटे गोविंद राज ने मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ अजमेर का शासक बनना स्वीकार किया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई हरिराज ने गोविंद राज पर आक्रमण कर दिया। गोविंद राज को पलायन करना पड़ा और उसने रणथंभौर में जाकर शरण ली और कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर पर गोविंद राज के अधिकार को मान्यता दे दी। इस प्रकार केंद्रीय सत्ता के अधीन और उसकी मान्यता से ही रणथंभौर की चौहान शाखा अस्तित्व में आती है और पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंद राज इसका संस्थापक बनता है। ये दिल्ली के गुलाम सुल्तानों की अधीनता में राज्य करते रहे, जब तक कि आगे आने वाले चौहान वंशी राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र करना ठीक समझा और दिल्ली की सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। फलस्वरूप इल्तुतमिश के समय में रणथंभौर पर फिर से आक्रमण हुआ, जबकि वीर नारायण यहाँ पर राज्य कर रहा था। वीर नारायण को परास्त करने में इल्तुतमिश सफल नहीं हुआ, इसलिए उसने धोखे से वीर नारायण को दिल्ली बुलाया और उसकी हत्या करवा दी और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इस तरह पुनः रणथंभौर का किला दिल्ली के सुल्तानों की अधीनता में चला गया। वीर नारायण के चाचा वाग्भट लगातार इस कोशिश में थे कि कब वो अपना किला, अपना राज्य पुनः प्राप्त करते हैं और इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उन्होंने इसके ऊपर अधिकार कर लिया, मुस्लिम सेना को खदेड़ दिया। जब यह दिल्ली सल्तनत के अधिकार में नहीं रहा तो पुनः दिल्ली सल्तनत की ओर से यहाँ पर अभियान किए गए। रजिया सुल्ताना ने अभियान किया पर वह इसको जीतने में सफल नहीं हुई। वाग्भट सफलतापूर्वक अपने किले को अपने हाथों से जाने से रोकने में सफल रहा। वह रजिया सुल्ताना के उत्तराधिकारियों मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद के समय होने वाले आक्रमणों को विफल करने में सफल रहा। 1248 ईस्वी में वाग्भट की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात बलबन ने, जो कि नासिरुद्दीन महमूद का नायब था, दो बार 1253 ईस्वी में और 1257 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु स्थायी रूप से किले को लेने में सफल नहीं हो सका। अपने शासन के दौरान बलबन ने कोई महत्वपूर्ण सैनिक अभियान नहीं किए। अगला जो अभियान दिल्ली सल्तनत की तरफ से रणथंभौर के किले पर हुआ वह जलालुद्दीन फिरोज खलजी के द्वारा हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खलजी 1290 ईस्वी में खलजी क्रांति के माध्यम से गुलाम वंश का अंत करके सिंहासनारूढ़ हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने जब दुर्ग का घेरा डाला और इसे लेने में असफल रहा तो उसने कहा कि इस किले का मोल एक मुसलमान सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं है, इसलिए वह
इस किले को लेने में मुसलमानों का रक्त नहीं बना बहाएगा, और इस तरह से अपनी असफलता को उसने छुपा लिया। उसके पश्चात 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। वह न केवल रणथंभौर के किले पर अधिकार कर पाया, वरन इसको कुछ समय तक दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रखने में भी सफल हो पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय होने वाले यह अभियान यह देखने में मदद करेगा कि किस प्रकार से एक राजपूत राज्य, जो कि एक क्षेत्रीय शक्ति है, किस प्रकार केंद्रीय सत्ता, जो कि दिल्ली सल्तनत है, का प्रतिरोध करते हैं, और किस प्रकार एक ट्रेजेडी उनके साथ होती है कि उनका अंत हो जाता है। हमीरदेव चौहान 1282 ईस्वी में राजा बना, और 1301 ईस्वी में, जबकि वह अलाउद्दीन से लड़ते हुए मारा गया, राज्य करता रहा। हमीर महाकाव्य नयचंद सूरी द्वारा लिखित, हमीर रासो सारंगधर और जोधराज द्वारा लिखित, हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखित, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा लिखित, राजा हमीरा देरा कवित भट्ट खेमा द्वारा लिखित, खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो द्वारा लिखित, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित। इन सब ग्रंथों से हमीर देव चौहान और उसके अलाउद्दीन खिलजी के प्रति किए गए प्रतिरोध के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर देव चौहान ने 1282 में राजा बनने के पश्चात 1288 तक अपनी दिग्विजय संपन्न की। अपने चारों तरफ के राज्यों के खिलाफ उसने विजय अभियान किए। कुछ राज्यों को जीत कर उसने अपने राज्य में मिलाया, शेष को करदाता बनाया। जिन राज्यों के खिलाफ अभियान किए, उनमें से कुछ हमें पहचान में आते हैं और कुछ की स्थिति पहचान में नहीं आती है। वो राज्य थे भीमसर, मांडलगढ़, चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, मालवा, पुष्कर, चंपा, त्रिभुवनगिरी आदि। त्रिभुवनगिरी आजकल के करौली जिले में स्थित माना जाता है। ये इन सब राज्यों के खिलाफ विजय अभियान किए। कुल 17 लड़ाइयाँ उसने लड़ी अपने जीवन काल में, और उनमें से 16 लड़ाइयाँ इस दिग्विजय के अभियानों से संबंधित थी, जिनमें वह विजित रहा। आखिरी लड़ाई उसकी अलाउद्दीन खिलजी के साथ थी, जिसमें उसकी हार हुई और वह शहादत को प्राप्त हुआ। ये विजय अभियान करने के पश्चात उसने यज्ञ किए, कोटि यज्ञ किए, और काफी दान पुण्य के कारण, यज्ञों में जो किया गया उसके कारण उसका काफी पैसा खर्च हुआ। 1288 ईस्वी तक वह दिग्विजय कर रहा था, और उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान उसके जीवन में सामना करने के लिए बचता था। हमें ये देखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा की हम बात कर चुके हैं। एक साम्राज्यवादी शासक के लिए विजय अभियान करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। उसकी साम्राज्यवादी नीति ही सबसे बड़ा कारण होती है। तो दिल्ली के नजदीक स्थित होने के कारण स्वाभाविक रूप से राजपूताना के राज्यों को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का शिकार बनना ही था। रणथंभौर का जो किला है वो दिल्ली के नजदीक तो स्थित था ही, इसलिए एक स्वतंत्र किले के रूप में रणथंभौर जैसे मजबूत किले के बने रहने के कारण दिल्ली की सुरक्षा को जो खतरा होता, उस खतरे से बचने के लिए रणथंभौर पर अधिकार करना आवश्यक था। रणथंभौर की जो भौगोलिक स्थिति थी वह इस प्रकार की थी कि गुजरात को, मालवा को और दक्षिण भारत को जाने वाले मार्ग यहाँ से गुजरते थे। सामरिक कारणों से सेना लाने ले जाने के लिए, व्यापारिक कारणों से माल के प्रवाह के लिए, और रणथंभौर पर अधिकार करके वहां पर एक
सैनिक चौकी स्थापित करके मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत के अपने विजित क्षेत्रों पर जिस प्रकार का प्रभावी नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी रख सकता था, उसके कारण रणथंभौर पर अधिकार करना आवश्यक था। आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा और उसके पूर्ववर्ती शासक जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर किए गए अपने दो अभियानों में मात खा चुका था, इसलिए उस पराजय का बदला लेना भी अलाउद्दीन खिलजी जरूरी समझता था। एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि हमीर देव चौहान जो है, उसने दिल्ली सल्तनत को अदा किए जाने वाले कर को देना बंद कर दिया था और इस तरह से अपनी स्वतंत्र शासक के रूप में भूमिका स्पष्ट कर दी थी। यह दिल्ली सल्तनत के किसी महत्वाकांक्षी शासक को मंजूर नहीं हो सकता था कि जो राज्य उन्हीं के संरक्षण में स्थापित किया गया हो, वह स्वतंत्र भूमिका में आए। और तात्कालिक कारण उत्पन्न हुआ, वह तात्कालिक कारण यह था कि गुजरात के अभियान से लौटते समय खजाने के बंटवारे को लेकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना में झगड़ा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के नौ मुसलमान वो थे जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल भारत में बस गए थे। ये भारत में बसे हुए मंगोल नव मुसलमान कहलाते थे। ये नव मुसलमान जो अभियान में सैनिक के तौर पर साथ गए थे, इन्होंने खजाना लूट लिया और खजाना लूट कर ये हमीर के शरण में चले गए। ये नव मुसलमान मोहम्मद शाह और कामरू मुख्य थे। एक दूसरा कारण ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मराठा रानी, जिसका नाम चिमना बेगम था, वह मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी। जब अलाउद्दीन खिलजी को इसका पता चला तो उसने मोहम्मद शाह को दंडित करने की कोशिश की और मोहम्मद शाह पलायन करके अमीर के संरक्षण में चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान को कहा कि वह उसके सैनिकों को वापस कर दे, उसके जो विद्रोही हैं नव मुसलमान उनको वापस कर दे, लेकिन हमीर ने कहा कि उनकी ये परंपरा रही है कि वो शरणागत को लौटाते नहीं हैं। हमीर ने कहा कि उसके पास पर्याप्त सैनिक और धन है, वह युद्ध आमंत्रित करना नहीं चाहता लेकिन डरता भी नहीं है, इसलिए वह इन सैनिकों को वापस नहीं करेगा। और इस प्रकार युद्ध के लिए साक्षात कारण उपस्थित हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पहला अभियान रणथंभौर के खिलाफ 1299 ईस्वी में किया, जबकि उसने अलप खान, उलूग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में सेना भेजी। रणथंभौर के किले से पहले जाइन का क्षेत्र और जाइन का किला पड़ता था। रणथंभौर पर अधिकार करने से पहले जाइन के क्षेत्र और जाइन के दुर्ग पर अधिकार करना था। ये सेना जाइन के क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर फसलों को नष्ट करने इत्यादि का कार्य करने लगी। इस समय हमीर देव चौहान यज्ञ में बैठा हुआ था और मौन व्रत धारण किए हुए था, इसलिए उसने अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। ये मुस्लिम सेना के उत्पात को रोकने और सेना को पीछे हटाने में सफल हुए। भीम सिंह और धर्म सिंह की दोनों सेनाएं अलग-अलग जब वापस अपने राज्य की तरफ, रणथंभौर की तरफ लौट रही थी, तब अलप खान ने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया और भीम सिंह की को मार डाला गया। जब यह सूचना हमीर देव चौहान को पहुंची तो हमीर देव चौहान ने धर्म सिंह पर आक्षेप किया और उसे भीम सिंह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया और उसे पदच्युत कर दिया। धर्म सिंह के भाई भोज को उसकी जगह मंत्री पद दे दिया गया। कुछ समय पश्चात धर्म सिंह पुनः अपना पद प्राप्त करने में सफल हुआ, फलस्वरूप भोज को पदच्युत किया गया और भोज अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में
चला गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान प्रारंभ होने के पश्चात रणथंभौर में होने वाली आंतरिक घटनाएं अल्टीमेटली रणथंभौर की पराजय के तरफ उसको लेकर जाती हैं। जब प्रथम अभियान में इनको कुछ सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा अभियान किया। दूसरा अभियान उलूग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने जाइन को जीत लिया। जाइन को जीतने के पश्चात उन्होंने रणथंभौर का घेरा डाला। रणथंभौर का घेरा डालने के दौरान ही उन्होंने संधि प्रस्ताव भी भेजा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर अगर हमीर देव 4 लाख सोने की मुहरें, 4 हाथी और अपनी बेटी अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित कर दे तो घेरा उठाया जा सकता है। हमीर देव चौहान ने उत्तर भिजवाया कि अलाउद्दीन खिलजी जितनी सोने की मुद्राएं चाहता है, वह उतने ही घाव अपनी तलवार से उसके शरीर पर लगाने को उद्यत है। एक बार जबकि नुसरत खान घेरे के दौरान किले की दीवारों को उड़ाने के लिए खोदी गई खाइयों का निरीक्षण कर रहा था, वह किले के अंदर से फेंके गए एक पत्थर का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप उलूग खान पर आक्रमण किया राजपूत सेना ने और उसे पीछे खदेड़ दिया। उलूग खान पीछे लौटकर जाइन के क्षेत्र में आ गया। जब अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान भी सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो रहा था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अभियान का नेतृत्व करना ठीक समझा और 1301 ईस्वी में वह रणथंभौर पहुंचा। अमीर खुसरो, जो कि उसका दरबारी कवि था, भी इस अभियान में उसके साथ था। अब अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के पश्चात घेराबंदी रणथंभौर के किले की पुनः डाल दी गई। घेरा बहुत कड़ा कर दिया गया और किले की दीवारों तक पहुंचने के लिए मिट्टी के बोरों में मिट्टी भरकर उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर मंच बनाए गए। इन मंचों को पाशेब कहा जाता है और इन पाशेबों के ऊपर गरगच नामक यंत्र रखे जाते हैं। इन यंत्रों से बड़े पत्थरों को किले की दीवारों पर फेंक कर मारना संभव होता है, जिससे कि किले की दीवार टूटे और शत्रु सेना का किले के अंदर घुसना संभव हो। लेकिन और किले की दीवारों को उड़ाने के लिए सुरंगें बिछा दी गई, लेकिन इन सारे प्रयत्नों से भी अलाउद्दीन खिलजी कोई वास्तविक प्रगति करने में सफल नहीं रहा। किले के घेरे को चलते हुए 1 वर्ष हो गया था। मानसून आने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे। इधर किले में रसद सामग्री खत्म होने के कगार पर थी। अमीर खुसरो लिखता है कि लोग एक ग्रेन अनाज के बदले 2 ग्रेन सोना देने को तैयार थे, लेकिन कोई अन्न नहीं देता था। पानी और हरियाली के अभाव में किला कांटों का रेगिस्तान बन गया था। ऐसी परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल सोची और संधि का प्रस्ताव हमीर को पहुंचाया। हमीर भी, क्योंकि रसद सामग्री के खत्म होने के कारण चिंतित था, उसने अपने सेनापति रतिपाल को प्रतिनिधि के रूप में संधि वार्ता के लिए भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को रणथंभौर का दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। रतिपाल ने दुर्ग में लौटकर अन्य सेनापति रणमल को भी अपनी तरफ मिला लिया। रतिपाल और रणमल दोनों ने किले के अंदर कुछ स्थानों पर सैनिकों को हटा लिया और उन स्थानों से रस्सियों वगैरह से चढ़कर शत्रु सेना किले के अंदर प्रवेश कर गई। फलस्वरूप शत्रु सेना और राजपूत सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर देव चौहान, उसके 4 मंगोल साथी जो उसकी शरण में आए थे, 4 मंगोल साथी जिनको नव मुसलमान कहा जाता है, मुहम्मद शाह, कामरू, टीचर और वेचर, सब लड़ते हुए
मारे गए। हमीर देव की रानी रंग देवी ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को किले का पतन हो गया। किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ और उसे उलूग खान को सौंप दिया गया। इस तरह से रणथंबोर के खिलाफ किए गए अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को विजय मिली और रणथंबोर का किला दिल्ली सल्तनत का एक भाग बन गया। सोचने की बात यह है कि इन प्रत्यक्ष रूप से नजर आने वाले कारणों के अलावा, जो कि हमें अलाउद्दीन द्वारा किए जाने वाले धोखे और हमीर के साथियों के द्वारा किए जाने वाले धोखे के रूप में हमको नजर आता है, क्या हमीर की राज्य के कुछ अन्य कारण भी थे? आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी केंद्रीय शासक था और एक बड़े साम्राज्य का राजा होने के नाते वह अपने अपनी सेना और संसाधनों की दृष्टि से हमीर देव चौहान से कहीं आगे बढ़कर था। इसके बावजूद उसने चाल खेली और अपनी चाल में वह सफल रहा। हमीर देव चौहान, जिसने कि राजा बनने के पश्चात दिग्विजय की योजना चलाई थी, उस दिग्विजय में वह अपने पड़ोसी राज्यों को नाराज कर चुका था और जब हमीर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, तब इन पड़ोसी राज्यों में से कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। एक तो दिग्विजय से और उसके पश्चात दिग्विजय को पूर्णाहुति देने के रूप में किए जाने वाले यज्ञों के कारण वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुका था। उस आर्थिक स्थिति को पुनः दृढ़ करने के लिए उसके मंत्री धर्म सिंह वगैरह ने जनता से जबरदस्ती कर वसूल करने की कोशिश की। उसके कारण उसकी जनता अपने राजा से नाराज हो गई और युद्ध के दौरान उसको अपनी जनता से भी सहयोग नहीं मिला। हमीर एक बेहतर आर्थिक प्रबंधक नहीं था। अगर वह बेहतर आर्थिक प्रबंधक होता तो अपने धन को बजाय इसके कि वह यज्ञों में खर्च करता, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने में खर्च करता, क्योंकि वह देख सकता था कि केंद्रीय सत्ता को कर देना बंद कर देने के कारण बाद उस पर आक्रमण होना स्वाभाविक था। इसके पश्चात शासक के रूप में हम उसकी कुछ कमजोरियों को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वह उन व्यक्तियों के चरित्र को नहीं पहचान सका जो उसके मंत्री और सेनापति के रूप में तैनात थे। उन्होंने उसे धोखा दिया और हमीर देव चौहान को इसका भान भी नहीं हुआ। राजपूतों के पराजय में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि जब दुर्ग का घेरा लंबा चलता था तो लंबा चलने के पश्चात उसमें राशन या रसद सामग्री खत्म हो जाया करती थी और उसके बाद राजपूत सेना खुले युद्ध में मुस्लिम सेना का सामना करती थी और वह खुले युद्धों में आक्रमणकारी सेना से हार जाती थी। इस प्रकार कुछ शासकीय कमजोरियों, कुछ व्यक्तिगत कमजोरियों और कुछ शत्रु सेना की मजबूती के कारण हमीर देव अपने राज्य को बचाने में समर्थ नहीं हुआ और उसे अपना राज्य और अपना जीवन दोनों से हाथ धोना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि रणथंबोर का चौहान वंश खत्म हो गया और यह दिल्ली सल्तनत का एक भाग बन गया। दुर्ग पर अधिकार करने के बाद तुर्कों ने यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों आदि को नष्ट कर दिया। जो एक अच्छा संदेश इस अभियान ने दिया वह यह है कि जो 4-9 मुसलमान हमीर की शरण में आए थे और जिन्हें लौटाने से हमीर ने मना कर दिया था, वह 4 मुसलमान अपनी मृत्यु पर्यंत अपने स्वामी के लिए लड़ते रहे। जब हमीर की मृत्यु हो गई और घायल मोहम्मद शाह का सामना अलाउद्दीन से हुआ, तो अलाउद्दीन ने उससे पूछा
कि अगर वह उसकी जान बख्श दे तो वह क्या करेगा। मुहम्मद शाह ने कहा कि सबसे पहले वह हमीर के बेटे को रणथंभौर का राजा बनाएगा और उसके पश्चात अलाउद्दीन को कत्ल करेगा। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों से कुचलवाकर मुहम्मद शाह का कत्ल करवा डाला, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने विधि संपन्न तरीके से उसका अंतिम संस्कार करवाया। इस तरह से शरणार्थियों को शरण देने और शरणार्थियों के द्वारा स्वामी भक्ति का एक सुंदर उदाहरण रणथंभौर के इस अभियान ने छोड़ा। रणमल और रतिपाल, जिन्होंने कि अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपनी समस्त आकांक्षाओं में संपन्न हुआ। राजस्थान का एक बड़ा राज्य और बड़ा दुर्ग तुर्कों के अधिकार में चला गया। यह है अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान का एक सफलतापूर्वक कदम था। हमीर देव चौहान ने शासकीय दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से उसमें कुछ कमियों की बातें हमने की है, लेकिन आप देखते हैं कि वह एक महान सेनापति था जिसने दिग्विजय करके अपने साम्राज्य को फैलाया था। वह एक आत्माभिमानी शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को कर देने से मना कर दिया था। वह हिंदू धर्म और संस्कृति का संरक्षक भी था। उसने प्राणपण से राजपूत संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। उसने उन व्यक्तियों को शरण दी जो उसकी शरण में आए थे और अपना जीवन और अपना राज्य देकर उस शरण देने को के प्रण का पालन किया। यह है एक सुंदर उदाहरण है शरण देने का और शरण में आए हुए व्यक्तियों द्वारा अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने का। धन्यवाद।